गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, दिस इज योर थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड। लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैसे जो बनी था वो लायन के पास जाता है और उनको ये बताता है कि कोई दूसरा लायन है जो कि उनके जंगल का राजा बनना चाहता है। और ये सुनकर जो लायन होता है वो बनी के साथ कुएं के पास जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सीन थर्ड में क्या होता है। बनी रिचेज नियर अ वेल विद द लायन, जो बनी है वो लायन के साथ कुएं के पास पहुंचता है। बनी, योर हाइनेस सी हियर, पॉइंटिंग टू द वेल द डेड किंग इनसाइड दिस वेल। अब वो बोलते हैं कि इस जो वेल है उसको पॉइंटिंग करके, मतलब उसको पॉइंट आउट करके बोलता है कि इस कुएं के अंदर दूसरा जो राजा है वो रहता है, मतलब कि दूसरा किंग रहता है इस कुएं के अंदर। द लायन पीप्स इन टू द वेल, ही सीज हिज ओन रिफ्लेक्शन। और जो लायन होता है वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उसको क्या दिखता है, अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई दिखती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी कभी पानी के अंदर देखते होंगे, जैसे हमें मिरर में देखने से हमारी शेडो दिख, मतलब हम ही दिखते हैं ना, हमारी रिफ्लेक्शन दिखती है। उसी तरह पानी में भी आपने कभी देखा होगा तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। तो वैसे ही लायन ने जब कुएं के अंदर देखा तो उसको भी अपनी रिफ्लेक्शन दिखी उस पानी की वजह से। ठीक है, लायन थिंकिंग बनी वॉज ट्रू, लायन सोचते हुए बोल अब सोचते अपने मन में कि हाँ बनी सच बोल रहा था। ओ हेयर यू आर, कम आउट कम आउट, बोलता ओ तुम यहाँ पर हो, बाहर निकलो बाहर निकलो। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ किंग ऑफ दिस जंगल यू हैव टू फाइट विद मी। ठीक है, और वो बोलता है, जो लायन होता है वो उसको बोलता है, जो उसके रिफ्लेक्शन है उसको, जो उसके रिफ्लेक्शन है उसको नहीं पता कि उसके रिफ्लेक्शन है, उसको तो ये लगता है ना कि वो तो दूसरा लायन है। तो वो उसको बोलता है कि बाहर आओ, अगर तुम्हें इस जंगल का राजा बनना है तो बाहर आओ मुझसे लड़ो। ठीक है, और फिर वो घुर्राता है। लायन रोर्स टू द टू सी द रिफ्लेक्शन, जो लायन है वो घुर्राता है उस रिफ्लेक्शन को देखते हुए। ठीक है, एकोस ऑफ हिज ओन रोर्स कम बैक फ्रॉम द वेल, और जो कुआ है वो उसमें देखकर वो घुर्राता है, तो फिर जो एको जो आवाज होती है वही आवाज कुएं से वापस आती है। ही थॉट, वो सोचता है कि जो अंदर जो लायन है वो भी उसको इनकरेज, मतलब कि वो भी उसको बोल रहा है कि हाँ मुझसे आके फाइट करो। ठीक है, बनी सर ही इज रोरिंग बैक एट यू, बनी बोलता है सर वो तो आप पर दोबारा से घुर्रा रहा है, आप उसको घुर्रा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि आके लड़ो मुझसे, वो भी आपको यही बोल रहा है। ठीक है, लायन आर यू कमिंग आउट ऑफ दिस वेल और नॉट, तुम इस कुएं से बाहर आ रहे हो कि नहीं। ऑल राइट आई विल कम टू यू, ठीक है मत आओ मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सेइंग दिस द लायन जंप्स इनटू द वेल, और ये कहकर जो लायन था वो वेल के अंदर कूद गया। ठीक है, द रैबिट बनी स्टार्ट्स रेड होपिंग विद जॉय एज द लायन वॉज देन इन द वेल एंड कुड नॉट कम आउट ऑफ इट ही कॉल्स द अदर एनिमल। और जो रैबिट था उसने कूदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो लायन था वो कुएं के अंदर गिर गया था और फिर वो उसके बाद बाहर नहीं निकल सकता था, फिर उसने क्या किया, बाकी एनिमल्स को बुलाया। बनी कम फ्रेंड्स द लायन इज डेड, आओ फ्रेंड्स जो लायन है वो मर गया, ही विल नॉट कम आउट, अब ये जो है वो लायन यहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकता। ऑल एनिमल्स स्टार्टेड enjoying their freedom, सारे एनिमल्स उनकी आज़ादी को enjoy करने लगे। दे ऑल shouted hip hip hurray, वो सब क्या चिल्लाने लगे, hip hip hurray, जैसे हम खुश होकर चिल्लाते ना hip hip hurray, वैसे ही वो चिल्लाने लगे। ऑल एनिमल्स appreciated बनी फॉर his cleverness, और सभी एनिमल्स ने बनी को appreciate किया उसकी चलाकी के लिए, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी चलाकी से लायन को मार दिया। जो लायन क्या कर रहा था, सभी अदर एनिमल्स को मारकर उनको खा जाता था, उसको बनी ने अपनी चालाकी से मार दिया। ठीक है, क्लास आपकी आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।